हे गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को ये जो दोनों हैं ये नहा धो के हो गए हैं सुबह सुबह रेडी। सुबह तो क्या अभी 11 बज रहे हैं आई थिंक, और मेरा अभी काम ख़त्म हुआ है। मैं भी जाऊंगी अभी शार लेने। और अयान कितनी बार बताओगे, कल भी यही बात बताई थी। और अयान जाएगा कह रही हूँ। अयान को आज हो गया है कोल्ड, क्योंकि जो ये कल मॉल में घूम के आया और जो कोल्ड ड्रिंक पी के आया ना उससे हुआ है। वैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक में आइस नहीं डलवाई थी, पर फिर भी ये कोल्ड पकड़ गया। पता नहीं ऑटो में गए उससे ठंड लग गई, क्योंकि इसने कैप नहीं पहनी हुई थी, या फिर कोल्ड ड्रिंक से हुआ, मुझे नहीं पता। कैसे हुआ यान? कोल्ड ड्रिंक से हुआ। पक्का? फैन भी चलाया था ना उस दिन, उससे परसों पर ले दिन फैन भी चलाया था। हाँ, रात को मैंने तो मना किया था। अभी क्या खाना आपको ब्रेकफास्ट में? अभी दूध तो कई देर हो गई, ऑमलेट बना लूं? ठीक है, आ जा, ब्रेकफास्ट आ गया, जल्दी आओ, आ जाओ। हाँ दूंगी, आगे तो आओ। ये देखो, ये है अयान का ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट। इसको मैं ऐसे कट कर देती हूँ ताकि अयान जो है वो आराम से खा सके। और ये है इधर मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें खाली ब्रेड और अंदर हरी चटनी लगा के लाई हूँ और कुछ भी नहीं है प्लेन। ये देखो कैसे जीभ लब लब आई उधर से इधर आ गए। आपको खाली ओट्स का ब्रेकफास्ट खाना है? क्यों दे दूँ? नहीं क्यों दे दूँ, मैं तो अंदर ही ओट्स का चीला खा लिया आपने। ज्यादा शाना मत बन, ज्यादा है ना, चालू मत बन के दिखाओ यार। ना आप कितने एहसान फरामोश हो ना, पूरे दिन सब कुछ मैं करती हूँ आपके लिए और आप फिर भी पापा की केयर ज्यादा करते हो, है ना, फिर भी पापा की ज्यादा केयर करते हो, है ना, मम्मा की नहीं करते ना। अरे ये मेरा है, सबसे पहले तो देखो हमारी लाइट के ड्रामे, देखो हर दूसरे दिन गिर जाती है। ये देख लो, कितना ही इसको सीधा कर लो, ये टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे है गाड़ी ठीक करने वाला आया हुआ है। अयान और उसके पापा चले गए हैं, तो एक बार नीचे जाके देखते हैं कि गाड़ी की क्या सिचुएशन है, ठीक हुई है नहीं हुई। मुझे स्टार्ट तो हो गई है शायद, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ तो आ रही है स्टार्ट होने की। जाके पता करते हैं क्या हुआ था, क्योंकि कल जब हम सुबह कहीं जाने के लिए गाड़ी निकालने लगे थे तो उस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई अचानक से। फिर हमें पता लगा कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो अभी देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम बताई, कितने खर्चा बताया, क्या इंश्योरेंस में कवर था, ये हो रहा है यहाँ पे ठीक। क्या बेटा? बैटरी की प्रॉब्लम थी। हो गया ठीक? नहीं अभी भी नहीं हो रहा। एक घंटे ऑन करके छोड़ो गाड़ी। हाँ। भाई सारा पेट्रोल तो ऑन में ही चला जाएगा। 40-50 रुपए का पेट्रोल खाएगी। एक घंटे में 40-50 का पेट्रोल खाएगी? अच्छा। अरे भैया ने इतनी देर में स्टार्ट करी होगी, आपने बंद कर दी। एक घंटे बाद चलती रहेगी ना? हाँ ऐसे ही होगा, वरना फिर मैं उस पे ले जाऊंगा तो दुकान पे। जब आपको टाइम मिले तब ले जाना, जरूरी नहीं है तुरंत अभी ले जाना। मतलब ले जानी तो पड़ेगी। अरे यार हैं, आप हाथ हटाओ, दूर हो जाओ आप। क्या चूहे ने तो नहीं कर दिया? अच्छा नहीं, वो तो बेटा गैप होता ही है। हो गई स्टार्ट। हाँ अयान, ये एक घंटे का जो काम है ना ये आप ही संभाल सकते हो, पता है, ठीक है? हम नहीं कर सकते। ठीक है आप बैठे रहो। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ आप बैठे रहो यहाँ गाड़ी में, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता आपको ही है ना कि गाड़ी खराब हो गई, ठीक कैसे होगी, अब हम कहीं घूमने कैसे जाएंगे? घूमने चले जाएंगे। कैसे? आधा घंटा ऑन खड़ी रहेगी तब? बैटरी को डले हुए हो गए हैं 3-4 हैं। हैं? तो जो पीले पत्ते हैं वो तो झड़ेंगे ही। अबे अकलवान, सारे पीले हो रखे हैं, वो भी सारे के सारे झड़ रहे हैं इसलिए। हाँ तो वही तो कह रहे, जो पत्ते पीले हो गए वो झड़ेंगे ही। पर मैं कह रहा सर्दियों में ज्यादा झड़ते हैं क्या? सर्दियों में ज्यादा पीले होते हैं ये, बोलो जो पीला होगा वो झड़ेगा ना। अयान मिट्टी,
आयन बताओ, सच सच बताओ, आयन सच सच बताओ, कौन पागल है, पापा या मम्मा? आयन पागल है क्या? इस, मैं कह रही इसको लगा मैं फंस गई, इसने खुद ही कह दिया मैं ही पागल हूँ, ना मम्मा पागल ना पापा। इसको पागल बना दिया है, इस बच्चे को पागल बना दिया दोनों ने मिलके। इसको लगा मम्मा का नाम लूंगा तो पापा नाराज हो जाएंगे, पापा का लूंगा तो मम्मा नाराज हो जाएगी। कुछ बर्गर वर्गर ऑर्डर कर ले, अच्छा। और कल क्या खा के आए हो जो आज भी कसर रह गई बर्गर और फ्राइज की है? बरीतो बरीतो बरीतो, अरे उसको बरीतो बोलते हैं, बाउल है वो, उसमें राजमा चावल से लेकर बरीतो के सबके बाउल है। हाँ वो जो हेल्थ वाला बोल रहे हो वो बरीतो ही होता है, हेल्थ वाला ऐसा कोई रूल नहीं, बरीतो ही होता है, वही होता है, हेल्दी वाले होते हैं। बिरयानी हेल्थ वाली नहीं होती, चिकन हेल्थ वाला देते हैं, चिकन नहीं चाहिए, सैलेड वाला बाउल भी देते हैं, हर तरीके का बाउल देते हैं, सिर्फ बरीतो हेल्दी ऐसा कोई, ऐसा कोई रूल नहीं है। आयन बोल पापा गाड़ी कोई उठा के थोड़ी ले जा रहा है, रहन दो उनकी, ऑन कैसे ले जा रहा है, ये भी लॉक खुला हुआ, ये भी लॉक खुला हुआ, लॉक लगा दो और चलती हुई रहन दो, चलो ऊपर चलो, चलो फिर ऊपर, फिर बेल बजेगी, फिर आना भागे भागे नीचे। हाँ कोई नहीं आ जाऊंगा, लेकिन गाड़ी बंद करना याद रखना, शाम तक कौन है, कहीं सारा पेट्रोल वो कह गया 40-50 का खर्च होगा, कहीं यहाँ जितना पेट्रोल है सारा निकल ले। तो भाई अभी हो गया है लंच का टाइम और बाकी तो सबने कर लिया, बस मैं और आयन बचे हैं। मैं बनाऊंगी अपना ओट्स का चीला, क्योंकि मैं लंच में ज़्यादातर वही खाती हूँ, मैं रोटी नहीं खाती हूँ। और आयन दिखा देती हूँ क्या कर रहा है, इस लड़के ने आतंक मचा रखा है, इसको ना कपड़े पहनने हैं और ना ही इसको ब्लैंकेट ओढ़ना है ना, देख ले अब कोई जवाब दे रहा हो तो। ऐ खाना ला रही हूँ मैं, फिर चलना ऊपर, ठीक है? आयान हाँ क्या कह दादी, तो ऑमलेट कितने बजे खाया था? 11 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 1:30 बज रहा है। कार से लाऊंगी मैं, ला रही हूँ खाना डाल के अभी, ठीक है? पूरे दिन इसको टीवी दिखा दो बस, नहीं खाएगा बताऊंगी इसको। और ये रहे हमारे किट्टू मिट्टू, और ये इधर देखो ये दीवार का क्या हाल हो रखा है, हमें इस पर टाइल लगवानी है पर कोई टाइल लगाने वाला मिल नहीं रहा, पूरी दीवार। और आयान ने ना ये पूरा एरिया ना नेल से ऐसे 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 कर करके लायक बच्चे ने पूरी दीवार खराब कर दी। तो ये रहे हमारे किट्टू मिट्टू जो कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? तो ये मैं क्या कर रही हूँ ना, ये आयान के लिए दवाई बना रही हूँ कोल्ड के लिए, जो कि रामबाण इलाज है कोल्ड का। ये मैं घी गरम कर रही हूँ, ये घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ये 2 लौंग डाल दूँगी, गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी, आपको दिखाती हूँ अभी। और ये 2 लौंग इस घी में डाल दूँगी, ये लौंग चटक जाएगी क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फिर इसको ठंडा होने तक, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर होने तक ये लौंग इसी में पड़ी रहने देंगे। देखो ये हो गया घी गरम हमारा, ये कर दी हमने गैस बंद, और ये 2 लौंग जो है इसमें डाल दी हमने, और ये घी जो है अब जब तक ये गर्म होगा पूरे, ओ सॉरी ठंडा होगा रूम टेम्परेचर का होगा, तब तक ये लौंग इसी में पड़ी रहने देंगे। और फिर ये लौंग निकाल के जब ये ठंडा हो जाएगा और ये घी जो है वो मैं अपने बच्चे को पिला दूँगी, तो उससे उसके कोल्ड में बहुत फ़र्क होता है। अब ये क्या है ना, ये मेरा तरीका है, तो इसको फॉलो करने से पहले भाई अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना, कहीं कल को कहो कि तुमने वीडियो में बताया था तो हमने दे दिया और हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर बच्चे की बॉडी अलग होती है, मैं देती हूँ मेरे बेटे को क्योंकि उसको सूट कर जाता है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और इसको ठंडा करके ही देना है, अगर ठंडा करे बिना दिया गर्म दे दिया तो बच्चे का गला वाला सब जल जाएगा, इसलिए रूम टेम्परेचर पे जब हो जाए तब देना है। ये लो आओ इधर, हो गया ये ठंडा, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, एक्टिंग नहीं आयान, एक्टिंग कर रहे हो बाबा, इसमें कुछ भी नहीं आप ले लेते हो आराम से, देखो मैं सबको दिखाऊंगी आयान कितनी आराम से लेता है ये अपनी दवाई, देखो ए आराम से लेना, रुको आ करो आ करो, नहीं है गर्म आ करो, मम्मा पे भरोसा नहीं है, आ करो ना ढंग से, ये देखो इससे कुछ पता चला नहीं ना, और वो आपके ब्लैंकेट के पूछ दिया मम्मी चिकना।
रात को यान कुदियो देते करा मम्मा नाक तो खुल गई देते के साथ ही वो पेट में भी निकल से फैल कर मम्मा मेरी नाक तो खुल गई। हाँ अभी हो जाएगा, अब आप सो जाओ, सोओगे तो फील नहीं होगा। बेटा तेरे साथ धोखा हो रहा है, चला जा तू पार्क, दादी भी चली जाएगी, नहीं तो पापा कहीं नहीं जाने। रुक जाओ बेटा, ये पहनो पहनो जैकेट पहनो अपनी, और ये लो कैप लो अपनी, फिर जाना पार्क। लो कैप, कैप लो। थोड़ी देर। क्या थोड़ी देर? क्या लगा तुझे है? जाओ पहले सुसु करके उठे हो सो के, अभी जाओ फिर जाना। तो भाई अभी हो गया है सोने का टाइम, और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। एक्चुअल में अयान और अमन है अभी नीचे, क्योंकि वीकेंड पे वो दोनों फुल मस्ती करते हैं, और अयान तो होमवर्क को हाथ भी नहीं लगाता वीकेंड पे, सीधा संडे को कहेगा मम्मा आज मेरा होमवर्क करवा दो, अब मेरा टाइम हो गया होमवर्क करने का, क्योंकि कल सुबह मुझे स्कूल जाना है। तो कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता दिखाने के लिए, जैसे कि ये वाला व्लॉग था, बट फिर भी एक डेली रूटीन की हैबिट बनी रहती है, तो इसलिए मैंने ये इस व्लॉग में दिखा दिया जो हमने पूरे दिन किया। अब मेन बात क्या आती है, अब मेरा ना व्लॉग्स डेली डालने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि उनको देखते तो हो ही नहीं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों पूरे दिन मेहनत करूँ, फिर एडिटिंग करूँ, पहले वीडियो बनाऊँ फिर एडिटिंग करूँ और फिर उसको डालूँ। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर किया करो, अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिले, सिर्फ व्लॉग्स नहीं। आपको पता है मैं बहुत घूमती फिरती शॉपिंग वॉपिंग सब करती हूँ, तो वो सब आप लोगों को देखने को मिले। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। बाय बाय, गुड नाइट।